हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में लैम्डा फंक्शंस क्या होता है। बेसिकली लैम्डा फंक्शन एक जस्ट फैंसी वे है कहने का फंक्शन को, और इसका एडवांटेज क्या है कि हम लैम्डा फंक्शन को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इस मीन्स किसी कॉन्स्ट्रक्ट के बीच में भी डिफाइन हो जाता है, इसलिए वो उसको यूज़ करना आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है लैम्डा फंक्शन को देख के। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या कोई बैकग्राउंड से नहीं है या लैम्डा फंक्शन पहले कभी जानते नहीं है, तो लैम्डा फंक्शन जो है ऐसा समझ लीजिए कि एक फंक्शन है बस। वो जैसे कोई भी फंक्शन लिखते हैं वो समझिए कि एकदम फंक्शन के जैसा ही है। तो मान लीजिए डिफाइन करते हैं लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स एक्स प्लस वन। तो ये समझिए, ये जो लिखा मैंने उसका मतलब ये हुआ एफ एक्स और रिटर्न एक्स प्लस वन, ये समझिए ऐसा ही हुआ। ओके, डेफ एफ एक्स रिटर्न एक्स प्लस वन, ये और जो लैम्डा फंक्शन मैंने डिफाइन करा है समझिए सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप अगर लैम्डा फंक्शन को शुरू में समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। लैम्डा फंक्शन का कंप्यूटर साइंस में बहुत ही मतलब गहरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आम तौर पे यूज़ करने के लिए आपको उसको जानने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। फिर समझिए लैम्डा फंक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे लैम्डा एक्स और कोलन दे देते हैं सच दैट एक्स प्लस वन, तो एक्स आप पास कीजिएगा और एक्स प्लस वन रिटर्न हो जाएगा। तो कोलन के पहले वाला जो एरिया है वो है पैरामीटर्स फंक्शन का, और कोलन के बाद वाला जो एरिया है वो है कि क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो एफ मैंने एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर दिया, और हम उसको जैसे मान लीजिए एफ ऑफ वन ले लेते हैं, तो वन पास करेंगे तो वन प्लस वन टू रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन कर दिए, देखिए एसटीडी आउट में टू आ गया। ओके, सही है, टू आ गया। अब देखिए लैम्डा फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, लैम्डा लिख दीजिए पहले, फिर स्पेस देखिए आप पैरामीटर का ये पैरामीटर दे दीजिए कौन कौन सा पैरामीटर पास हो रहा है, और उसके बाद कोलन दे दीजिए। कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो समझिए वो रिटर्न है, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, वही स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया लैम्डा फंक्शन का इंट्रोडक्शन। लैम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में और किसी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लैम्डाज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग कम्युनिटी। ओके, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में लैम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग का थ्योरेटिकल फाउंडेशन लैम्डा से शुरू होता है, तो बिना लैम्डा के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जैसे इंपरेटिव लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वहाँ लैम्डा के चर्चा भी नहीं होता है। अभी रिसेंटली सी प्लस प्लस में लैम्डा फंक्शन आया है, लेकिन बिना लैम्डा के भी लोग 20-25 साल से प्रोग्राम कर रहे थे सी प्लस प्लस में। सी में तो लैम्डा का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर भी काम करता है। तो पाइथन जो है उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्स्ट्रक्ट्स है, जैसे लैम्डा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं मैप रिड्यूस वगैरह, तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, हम लैम्डा फंक्शन के बारे में और भी चर्चा करेंगे, ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था कि सिंटैक्स क्या होता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि लैम्डा फंक्शन जो है एक तरह का फंक्शन ही है बस। इनफैक्ट लैम्डा फंक्शन कहना भी एक तरह का गलत है, क्योंकि लैम्डा इज़ ए फंक्शन, एक्चुअली सही बात यही है। तो लोग लेकिन लैम्डा फंक्शन कहते हैं, तो ऐसे ही मैं भी कहता हूँ। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है लैम्डा से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिए, आगे और भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।